अभी अंधेरा हो गया लेकिन ओम नहीं आया अभी तक, अभी तो आ जाना चाहिए था। अभी मैं चाचा को फ़ोन करती हूँ क्योंकि शायद खेल रहा था तो अभी तक नहीं निकला। अभी सनसेट हो गया। राम राम सीताराम सबको, गुड इवनिंग। तो अभी रामदेव मम्मी पापा सब जा रहे बगवदर, क्योंकि पापा का जो शुगर रिपोर्ट करवाना है वो, क्योंकि इसके बाद जो आँख का ऑपरेशन होगा वो होगा ना। हाँ, मोतिया का बोलते हैं हम लोग, और शुगर का रिपोर्ट पहले करवाते हैं, तो इसलिए जा रहे हैं अभी। 5 बज गए और मम्मी तो ऐसे ही आ रहे साथ में। मेरा ताऊ बन जाए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आजकल भारती नहीं आ पाती इतना ज्यादा, तो उसकी जगह मम्मी आ जाते हैं। वरना मैं जहाँ पे जाता हूँ ना तो भारती को तो आना ही होता है, भारती नहीं आ पाती तो मम्मी को आना होता है। ओम के हेयर कट भी है दिवाली से पहले, लेकिन शायद नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। संडे आज अगर आ रहे हो तो चलो। जाना है तुमको? नहीं जाना, जाते जय जाना है तो टाइम नहीं लगेगा, वरना फिर नेक्स्ट वीक। आज ऊपर आते जाए हूँ ना, तो बधे जाइए पापा यहाँ पे। और अभी हमारी दूसरी गाड़ी जो यहाँ पे होती है वो सर्विस में गई हुई है, हमारी स्विफ्ट, तो अभी थार लेके जा रहे हैं। तुमको जाना है, अभी जाना है तो जाके वो हेयर कट हो जाएंगे अच्छे से। देखो आगे बाल, देखो अभी बाहू तुमको हेयर कट करवाने हैं, बाहू को भी ग्रूमिंग के लिए लेके जाओ। अभी ऑफ रोडिंग ज़्यादा हो रहा है थार में, तो अभी इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी एक दो दिन में शायद। अंदर रियो मम्मी को जाना पड़ेगा पहले अभी। अभी इवनिंग के टाइम में सबको खाना दिया है, तो यहाँ पे खा रही है तोरल भी, और ये खाना खा लेगी तो फिर अभी बाहर चेंज करेंगे इस टाइम पे। अर्जुन भूख लगी है? हाँ भूख लगी है ना, ओके अभी तुमको दूध भी पिलाएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, ओके फिर तुम्हारा दूध टाइम हो जाएगा, ओके। अभी मम्मी खाना खा ले पहले। अभी बाहू जा रहा है आगे, पीछे है ओम और मैं। बाहू अभी तुम्हारा साइकिल के साथ, हाँ साइड में रहो ओम से। तो अभी हम निकले हैं वॉकिंग के लिए, आज मुझे नहीं जाना था लेकिन ओम बोल रहा है कि हाफ वे तक आओ, फिर वहाँ से चाचा के खेत में ओम जाएगा, मतलब कि चाचा के घर। ये बैग लिया है, मतलब कि वहाँ तक पहले तुम्हारा अकेले का मुझे लगा कि प्लान था। गए थे चक्कर लगाने के लिए, वहाँ से ओम गया है और मैं आ गई हूँ वापस, और अभी थोड़े से कपड़े हैं तो वो सुखा देते हैं। बाहू क्या है वहाँ पे? हाँ क्या है? गोंद, इसको मैं पाउडर फॉर्म में अभी कर रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ये खाने में बहुत अच्छा माना जाता है, हड्डियों के लिए भी पेन नहीं होता। तो जो भी हम बनाते हैं, गेहूँ के आटे की जो मिठाई बनाते हैं, कातली जो बोलते हैं वो बनाते हैं, उसमें भी ये डाल सकते हैं गोंद। तो अभी पूरा ऐसा पाउडर हो रहा है, इसमें चूल्हे पे बनेगा रोटला। एन और मम्मी एंड पापा आ गए, शुगर मम्मी को भी चेक करवाना था, लेकिन मम्मी का नॉर्मल है, पापा का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो अभी 10-15 दिन में अभी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम बना रहे कंसार, जो बोलते हैं हमारी स्पेशली शादियों में, जो फर्स्ट मुँह मीठा करवाते दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को, जिसमें राइस को ग्राइंड किया होता है, मतलब कि राइस का आटा और राइस पाउडर करके और साथ में शुगर और इसमें घी ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देना और ओवरनाइट इसको रख देते हैं प्लेट में, तो फिर दूसरे दिन बहुत ही अच्छा इसका
टेस्ट आता है और इसमें ऊपर टूटी फूटी और सब कुछ डेकोरेशन भी करते ऐसे ही हम खा जाएंगे। गीगन तुम्हारे शादियों में होता है ये कंसार खिलाना? कहाँ रहे? कंसार होता है मोस्ट ऑफ सभी शादियों में, फर्स्ट जो मुँह मिठाई होती है, क्योंकि बहुत इजी था पहले, बहुत टाइम पहले से ये बनाना भी, तो ये खिलाते हैं। अभी आजकल तो केक कटिंग सब कुछ होता है लेकिन ये पुराना है। सभी दूध पी रहा है, भूख लगी थी अभी, कब से बुला रहा था माँ माँ ऐसे कर रहा था, गिगन गिगन ऐसे कर रहा था, अभी पता नहीं कि मुझे जल्दी खोलो तो मैं दूध पी के आता हूँ। अभी अंधेरा हो गया लेकिन ओम नहीं आया अभी तक, अभी तो आ जाना चाहिए था। अभी मैं चाचा को फोन करती हूँ क्योंकि शायद खेल रहा था तो अभी तक नहीं निकला। अभी सनसेट हो गया, हाँ आ रहा है, दिखा दिखा बाहू। अभी हम कहीं वॉकिंग के लिए नहीं जा रहे, मैं सिर्फ ओम की वेट कर रही थी, ठीक है। अभी ओम आ रहा है ऑलरेडी, ओके अभी वापस वॉकिंग के लिए नहीं जाना। अभी ओम है, हाँ बाहू, बाहू भी देख रहे हैं, बाहू साइड में। मैं देख रही थी कि ओम आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाहू भागो साइड में आ गया, ये इसका एक साइड में होकर जा रहा है ना, इसका आज कुछ करना पड़ेगा, पापा को बोलना पड़ेगा कि कुछ अच्छे से फिक्स करे, है ना। थक गई है, तुम स्लोली स्लोली भी आ सकते, इतना फास्ट क्यों आए? मुझे मजा आ रहा है फास्ट चलाने में ना। ये पानी ट्रैक में कहाँ से है? नहीं वहाँ स्प्रिंकलर चल रहे थे। ओ वहाँ पे गए थे तुम खेलने के लिए? नहीं तो ये यहाँ पे वो थोड़ा सा रास्ते में आ रहा था। क्योंकि नॉर्मली जब तुम छोटे थे ना तो खेल नहीं जाते थे, मतलब कि स्प्रिंकलर्स। एक दिन तो मैं खेलने गया था एक दिन। हाँ मजा आया तुमको वहाँ पे? हाँ। आता के वहाँ खेल के हाँ। चलो अब जाते हैं घर, ठीक है। हाँ। बाहू को भी आना है साथ में। बाहू स्लोली जाओ तुम। तो पहले ऐसे बैंगन को चूल्हे पे सेकते फिर इसका छिलका निकाल देंगे, लेकिन अभी अच्छे से ये सेकना पड़ेगा पूरा। यहाँ पे मक्खन एंड खिचड़ी है ओम के लिए, हाँ थोड़ा सा देरी हो गया, अभी खेल रहे हैं वहाँ पे, मम्मी बना रहे रोटला। और यहाँ पे ऊपर का छिलका निकाल देना है अभी। तो रोटला अभी रेडी हो गए, ऑलमोस्ट बन गए हैं, बना रहे थे चूल्हे पे। जो रोटला बनता है मम्मी के हाथ का वो बहुत टेस्टी होता है। अभी गर्मा गर्म ओरा एंड रोटला, अभी ओरा का तड़का बाकी है, रामदेव गया गांव में आ जाए तो फिर खाते हैं। रोटला तो मैंने बहुत होती है, रोटला खाम भी सर ये होती है आटा और बहुत मऊती है। और प्रेगनेंसी के बाद भी ना ज्यादातर यही खिलाते हैं सबको, पहले यही खिलाते, अब खा सकते, लेकिन ये क्या होता है कि रोटला गर्म होता है और पूरा क्लियर आउट कर देता है और डाइजेशन में भी अच्छा होता है। रोटला वही प्रोसेस चलता था, वही उसमें नमक भी नहीं डालते थे शायद, नमक भी नहीं, मीठो ना मीठो ना ऐसे बस मीठा होता था, नो भावे बता रहे। एक महीना देता रोट लो खा ले, रोटली कहीं ना खावा दिए, गिन कर ने रोट लो मैं सूर्य ना खा ना गुन मैं कर गिन कर ना खा सूर्य ना खा ना। अभी वहाँ पे लाइट फिटिंग हो रहा है, रामदेह है वहाँ पे, नई लाइट लेके आए हैं तो ताकि खेत में भी पूरा दिख सके इस साइड। हाय ओम, क्या कर रहे हो? क्या काम चल रहा है यहाँ पे? तुम रियल इंजीनियर जैसे लग रहे हो। कल छुट्टी है, है ना, दो दिन की। हाँ। कल उठना है जल्दी? नहीं उठना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, ये खोलने की कोशिश में अपना पूरा वजन दे दिया। मुझे बोल रहे कि मम्मी तुम करो अच्छे से ट्राई करो, ये ऐसे नहीं होता, दूसरी साइड देख के करना होता। हाँ हो रहा है कुछ हाँ